हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एमए क्लासेज। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में एमए क्लासेज टाइप करेंगे वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप में आपको मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का डिफरेंट डिफरेंट कोर्स बनाया हुआ है जिसको आप बाय कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, और वहां पर आपको उस कोर्स का सारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल क्लासरूम जैसा। साथ में आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। इस ऐप का एक स्पेशल फीचर ये है कि उस कोर्स का जो भी डाउट होगा आप चैटिंग के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ एक चैट का ऑप्शन दिया हुआ है उस मोबाइल ऐप में, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगा। तो आप इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। एक हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू एम इंटू एक्स, जहाँ m जो है वो एक आर्बिट्रारी कांस्टेंट है, पैरामीटर है, मीन्स m जो है वो कांस्टेंट है लेकिन इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो आप देखिए ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसका स्लॉप क्या होगा, स्लॉप जो है वो m होगा। अब यहाँ अगर m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग अगर पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एम इंटू एक्स है, अगर m के जगह 1 पुट कर दें तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और y इक्वल टू एक्स क्या बता रहा है, y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो 45 डिग्री एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। तो ये y इक्वल टू एक्स जो है वो इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए m के जगह अगर -1 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू -x हो जाएगा, m का वैल्यू -1 पुट करने से। तो y इक्वल टू -x क्या है, y इक्वल टू -x एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो 135 डिग्री एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ, यहाँ से 135 डिग्री एंगल। अगर यहाँ m का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, m का वैल्यू 0 पुट करने से, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, ये लाइन हो जाता है। अगर m का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, कैसे, y इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 इक्वल टू x, और x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस का इक्वेशन। अगर m का वैल्यू √3 पुट कर देते हैं तो y इक्वल टू √3 हो जाएगा, √3x, और y इक्वल टू √3x जो है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बताएगा जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हो। तो ये जो भी लाइन होगा m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो एक लाइन ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ये इक्वेशन, और वो जो लाइन होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। तो एक लाइन नहीं बल्कि ये फैमिली ऑफ लाइंस, कई लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, फैमिली ऑफ कर्व्स हो गया, और इसी फैमिली ऑफ कर्व्स का अगर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर एक से अधिक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, dy by dx, और यहाँ पर हो जाएगा m into x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये आ चुका है dy by dx equal to m। अब ये जो एक इक्वेशन ये जो आ गया, एक बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन और जो दिया हुआ इक्वेशन है दोनों से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, बड़ा आसानी से हट जाएगा, m का वैल्यू यहाँ पर निकल चुका है, ये m का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ m, यहाँ पर हम लोग करते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, वी गेट क्या मिल जाएगा, देखिए y इक्वल टू यहाँ पर x जो है वो रहने देते हैं और m का वैल्यू कितना है dy by dx, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, m तो एलिमिनेट हो गया। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, यही जो दिया हुआ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हम लोग इसी तरीके से करते हैं,
यहाँ पर कोई एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ रहेगा, उस फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना रहेगा। तो देखेंगे कि कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। और मान लीजिए अगर अभी एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक इक्वेशन मिला, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो भी इक्वेशन मिल रहा है और ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उससे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनता है इसी को हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स का ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन भी कहलाता है, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक और सवाल देखते हैं जिसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे तो कैसे हम लोग उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर ये फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, जहां पर a और b, कैपिटल a कैपिटल b जो है वो पैरामीटर है, मतलब कैपिटल a और कैपिटल b जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये दोनों। अब यहां से हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो देखिए यहां पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इससे फैमिली ऑफ कर्व्स को हम लोग को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा समझिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा यहां पर, और यहां पर ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर रहने दीजिए, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी। अब हम लोग ये नंबर टू कर देते हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये लिखेंगे यहां पर हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए कांस्टेंट है, माइनस ए को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, अगर एक्स का कोई कोएफिशिएंट रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, वन है तो वन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ये नंबर थ्री कर दीजिए, तो यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो दो बार हम लोग डिफरेंशिएट किए, अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, ये दो बार डिफरेंशिएट किए वो है इक्वेशन, और एक ओरिजिनल इक्वेशन जो पहले से दिया हुआ था वो है। ये तीनों इक्वेशन से हम लोग ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट कर लेंगे। तो अब देखिए ये तीनों का यूज करके हम लोग को इलिमिनेट करना, कैसे इलिमिनेट होगा जरा समझिए। हो सकता है इस तीनों में से तीनों का यूज करने की जरूरत नहीं पड़े, किसी दो से भी इलिमिनेट हो जाए जैसे यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर a cos x इंटू एक्स प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं y, यही चीज़ यहाँ पर है a cos x प्लस बी, तो a cos x प्लस बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी हैव क्या लिख सकते हैं जरा समझिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, और ये पूरे का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं वाई। तो आप देख रहे हैं ये सेकेंड इक्वेशन का यूज नहीं हुआ, इलिमिनेट हो चुका है ए और बी, कहीं यहाँ पर इस इक्वेशन में ए और बी पैरामीटर तो है नहीं, तो इलिमिनेट हो चुका है, लेकिन हम लोग को सेकेंड इक्वेशन का जरूरत नहीं पड़ा। तो कभी कभी कुछ ऐसा सवाल होगा जिसमें से जो दो इक्वेशन डिफरेंशिएट करके आया है दोनों का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी एक से भी हम लोग को इलिमिनेशन हो जाएगा जैसे यहाँ पर हो गया, या हो सकता है कुछ सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें ये सारे इक्वेशन तीनों इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा इलिमिनेट करने के लिए, तो ये भी पॉसिबल है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग को इसका यूज नहीं हुआ है, ये इक्वेशन बन गया, और ये इक्वेशन देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हम लोग क्या किए, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, हम लोग इसको दो बार डिफरेंशिएट किए, दो बार डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन आया है ये तीन, इस तीनों का यूज करके हम लोग इसको ए और बी को इलिमिनेट कर लिए। हालांकि यहां पर सेकेंड का जरूरत नहीं पड़ा, फर्स्ट और थर्ड से ही इलिमिनेट हो गया। अब इलिमिनेशन के बाद एक इक्वेशन बन गया जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो आप अभी देखे हैं कि अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसमें सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। अगर एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी फैमिली ऑफ कर्व्स में है तो एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको अभी हम लोग डिफाइंड करेंगे, लेकिन एक चीज जरा ध्यान रखिएगा
अगर इस फैमिली ऑफ कर्व से हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन कहलाएगा और ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए, तब उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसके बीच एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग पुट करते तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अगर वैसा कोई रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में मिल जाता है तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, जरा समझिए कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसके बीच एक रिलेशन होता है विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग एक रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन ले रहे हैं। एंड कंसिडर वाई इक्वल टू ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स, जहाँ ए और बी जो है वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है। दोनों कॉन्स्टेंट जो है वो आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन कॉन्स्टेंट ये वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी है, अपनी इच्छा से जो भी चीज रखना चाहे रख सकते हैं। तो अब जरा देखिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, हम लोग चेक करेंगे। अगर ये रिलेशन वेरिएबल एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है, ये रिलेशन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तब इसको हम लोग कहेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जरा समझिएगा, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, जैसे आप अल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया या लीनियर इक्वेशन हो गया, सपोज कीजिए आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है इस अल्जेब्रिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स का एक वैल्यू होता है, वेरिएबल का एक वैल्यू होता है, वेरिएबल का एक रियल वैल्यू, जैसे मान लीजिए वेरिएबल का एक वैल्यू टू, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसा ही कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो वेरिएबल का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, बल्कि ये दोनों वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है तो दोनों वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब चेक करते हैं हम लोग कि ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा, वाई का डबल डेरिवेटिव का, तो डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर वाई का वैल्यू डबल डेरिवेटिव दोनों लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या आता है, ये dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, a कांस्टेंट है और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस b कांस्टेंट है और साइन x का हो जाएगा cos x। अगेन फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि डबल डेरिवेटिव का जरूरत है, तो अगेन डबल डेरिवेटिव d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस a कांस्टेंट है और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, b कांस्टेंट है और cos का होता है माइनस, तो माइनस हो गया माइनस साइन x। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी, तो दोनों यहां पर हम लोग पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन वी गेट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड है d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स हो गया। और फिर आगे क्या पुट करना है, प्लस y, y का वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू a cos x प्लस b sin x है, तो यहाँ पर a cos x प्लस b sin x पुट कर देते हैं, तो ये आप देखिए माइनस a cos x, यहाँ cos x है, माइनस a cos x से प्लस a cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b sin x से प्लस b sin x कैंसिल हो जाएगा, जीरो बच गया, यही राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोग क्या किए, ये y का वैल्यू से हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल लिए और ये पुट कर दिए डबल डेरिवेटिव और y का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, देख रहे हैं हम लोग कि राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो 2 में था, ये जो रिलेशन था x और y के बीच में, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन का एक सॉल्यूशन हो गया। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वन था इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, जरा समझिएगा इसके बारे में कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया है, अगर हम लोग इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, जरा समझिए, इससे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी जो बता चुके हैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी है, तो दो बार डिफरेंशिएट किए, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। अब यहाँ से आप जरा समझिए इसके बारे में कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं और हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आ जाएगा। और ये माइनस यहाँ पर रहने देते हैं और इसका वैल्यू क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का वैल्यू कितना है, आप देख रहे हैं ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स का वैल्यू वाई है। तो आप इस वाई को इधर ले आइए, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन से अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर यही आ गया तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया। तो किसी भी रिलेशन से, फैमिली ऑफ कर्व्स से अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है वो सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्स वाई के बीच कोई रिलेशन है उस रिलेशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स वाई के बीच रिलेशन जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दो तरीका है, या तो हम लोग इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके ये वाला बना दें तब भी ये सॉल्यूशन हो जाएगा, या हम लोग ये चेक कर लें कि ये लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं, अगर ऐसा हो जाए तब भी ये सॉल्यूशन हो गया। तो दो तरीका हो गया सॉल्यूशन चेक करने का। अब सॉल्यूशन जो होता है, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ेंगे दो टाइप का सॉल्यूशन, उसके बारे में फिर बाद में पढ़ेंगे एक और टाइप का सॉल्यूशन के बारे में। अभी फिलहाल मैं जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और आगे जो पढ़ना है डिग्री लेवल में उसके बारे में मैं फिर आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को मैं अभी बता रहा हूं, जो आप 11, 12 में पढ़े हैं उसी चीज़ को मैं सिर्फ एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूं, फिर बाद में मैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से वहां से मैं बताऊंगा। तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, दो टाइप में से पहला टाइप होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जैसा समझिएगा, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट सॉल्यूशन में शामिल है, जैसे ये सेकेंड ऑर्डर का है तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए और बी इन्वॉल्व है इसके सॉल्यूशन में, तो अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो इसको हम लोग कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं, वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जरा देखिए, यहाँ ए और बी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू बैठा देते हैं, मान लीजिए वाई इक्वल टू ए की जगह 2 बैठा देते हैं 2 cos x, फिर b की जगह हम लोग 3 बैठा देते हैं 3 sin x। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई पर्टिकुलर अगर वैल्यू पुट कर दिया जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दो टाइप का सॉल्यूशन हो गया, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आगे पढ़ेंगे और भी कुछ टाइप का सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या प्रोसेस है जो आप 12 लेवल में पढ़े हैं। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल है, रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, नन होमोजीनियस है, लीनियर है, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर है, ये सारे चीज़ें हैं 12 क्लास में आप पढ़े चुके हैं। यहाँ पर जो आपको पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पढ़ना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वही बताऊंगा टाइप्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन का क्या क्या तरीका है, थोड़ा एक एक क्वेश्चन से मैं रिवीजन करवा दूंगा, उसके बाद फिर मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से फोर्थ वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।